بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FPI. Dear students, in previous lecture, we have discussed about physical properties of metals and non-metals. And today, in this lecture, we will discuss about the chemical properties of metals, and it will be the lecture number 2 of this chapter, metals and non-metals. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या हैं. द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर एज, यानी हम देखेंगे कि जब हम मेटल को किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है. तो अब हम देखते हैं पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. हम मेटल्स को रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद आयरन. तो यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन लेते हैं पहले, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. दैट मीन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पे जो मैंने जनरल रिएक्शन ली, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सोडियम की, क्योंकि सोडियम मेटल है, इसीलिए यहाँ ये जो यहाँ पे मेटल है इसके बदले हम यहाँ पे सोडियम लेंगे. ठीक, सोडियम तो प्लस ओ टू ऑक्सीजन के बदले, यानी उसका सिंबल जो है वो ओ टू है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ओ टू गिव्स एन ए टू ओ, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड. तो मेटल के बदले यहाँ पे हमने सोडियम लिया, इसलिए सोडियम ऑक्साइड. So when sodium reacts with oxygen, it forms sodium oxide, and the molecular formula of sodium oxide is Na2O. Na2O, ये यहाँ पे इसकी formula है Na2O. तो यहाँ पे मैं ये repeat करना चाहता हूँ, ये reaction यहाँ पे मैंने 4 times Na लिया, क्योंकि ये reaction तभी balance हो जाएगी जब हम यहाँ पे 4 times लेंगे. यहाँ तो 2 times, तो जो सोडियम ऑक्साइड की जो फॉर्मूला है वो है Na2O. तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि 4 सोडियम एटम्स हैं यहाँ पे, हमें इसीलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करके वी गेट सोडियम 4 एटम्स प्लस इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये Na2O सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मूला बन गई Na2O. लेकिन 2 और यहाँ पे जो 4 है ये बैलेंस करने के लिए है. और यहाँ पे जो सोडियम है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में S लिया, S रिप्रेजेंट्स दैट सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट. S रिप्रेजेंट्स सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, G मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिया, जिस स्मॉल G रिप्रेजेंट्स दैट ऑक्सीजन इज इन गैसेस फॉर्म. ऑक्सीजन तो गैसेस फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये G और यहाँ पे मैंने S, यानी S रिप्रेजेंट सोडियम, S रिप्रेजेंट्स सॉलिड स्टेट ऑफ सोडियम, एंड G रिप्रेजेंट्स गैस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड बनता है प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी S लिया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के लिए विद ऑक्सीजन. और एक रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिया, क्योंकि पोटेशियम भी मेटल है, इसलिए हम अब पोटेशियम को रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वी गेट K2O. K2O रिप्रेजेंट्स पोटेशियम ऑक्साइड. यहाँ पर भी जो 4 है और यहाँ पे जो 2 है ये बैलेंस करने के लिए है, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. और यहाँ पे जो S है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट पोटेशियम इज इन सॉलिड स्टेट. और यहाँ पे जो G ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे G लेंगे, ऑक्सीजन तो गैसेस फॉर्म में होता है, यहाँ पर हम G से भी इसको रिप्रेजेंट ब्रैकेट में रख सकते हैं. और ये जो S रिप्रेजेंट्स पोटेशियम ऑक्साइड इज इन सॉलिड स्टेट.
और एक रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं, यानी एग्जाम्पल लेते हैं, यह मैग्नीशियम एम जी रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब इसको हीट किया जाता है वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। फिर हमने कुछ मेटल्स की एग्जाम्पल ली जिनको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम है या पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सो ये आपको याद रखना, यू कैन नोट दिस पॉइंट दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को ये हम इसमें कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ओपन में हम रखते हैं तो ये कैश फायर करते हैं, एंड कैश फायर, तो इसीलिए ये हम किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाई सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे कैच फायर इफ दे आर केप्ट ओपन, सो दे आर प्लेस्ड इन द कैरोसिन ऑयल। ठीक, ये आपको याद रखना है कि ये मैंने यहाँ पे कुछ बातें आपको बताई कि ये जो सोडियम और ये जो पोटेशियम है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे कैच फायर इफ दे आर कैप्ट ओपन, तो इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेंगे, ये कैल्शियम, सी ए रिप्रेजेंट कैल्शियम की सिंबल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो इसको भी मैंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, वी गेट सी ए ओ, सी ए ओ इज द कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम लिथियम लेंगे, एल आई रिप्रेजेंट लिथियम प्लस ओ टू ऑक्सीजन के साथ गिव्स एल आई टू ओ, एल आई टू ओ रिप्रेजेंट लिथियम ऑक्साइड। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, और ये मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन और व्हेन दे रिएक्ट विद आयरन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये मैंने नोट में यहाँ पे डाला, ये आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। यही यहाँ पे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अगर ये देखा जाए, यानी इनका कैरेक्टर क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है मेटल ऑक्साइड्स की, वो ये है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये मैंने यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक, बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है, दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। अगर हम ये मेटल ऑक्साइड्स को किस पे डाल, यानी किसके साथ, किसको ऐड करेंगे, लिटमस सोल्यूशन के साथ, रेड लिटमस सोल्यूशन को, तो उसका कलर ब्लू आता है, दैट मीन्स दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। ये आपको याद रखना है, दे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, बट सम मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो जो यानी जो बिहेव करते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक, वो तो उनका कुछ कह रहे, बेसिक भी नेचर होता है उनका, एसिडिक भी नेचर होता है। किनका, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एक्सेप्शनल केस हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उन ऑक्साइड्स को जो बिहेव करते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, यानी जिनका नेचर एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, दे आर कॉल्ड एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। उनको क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ना व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, दे मेटल ऑक्साइड्स विच बिहेव बोथ एसिडिक एज वेल एज एसिडिक, बेसिक एज वेल एज एसिडिक, यानी जिनका नेचर एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड्स दे आर एम्फोट्रिक नेचर, वो मेटल ऑक्साइड्स हैं लेकिन वो एसिडिक भी और बेसिक भी बिहेव करते हैं, तो उनको एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये दूसरी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड
एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैंने नोट डाला, यहाँ पे सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर, सम विद बोथ हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर, एंड सम विद स्टीम, एंड अदर्स डू नॉट रिएक्ट विद बोथ स्टीम एंड वाटर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेटल्स को जब रिएक्शन की जाती है किसके साथ, वाटर के साथ, वहां पे क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां पे बनता है। लेकिन कुछ मेटल्स रिएक्ट होते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, और कुछ मेटल्स रिएक्ट होते हैं हॉट वाटर के साथ, यानी कुछ रिएक्ट होते हैं कोल्ड वाटर के साथ, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं, हॉट वाटर के साथ। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ना तो वो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, बल्कि वो स्टीम के साथ, यानी वेपर्स, जब वाटर को हीट किया जाता है, वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो वो मेटल्स पे रिएक्ट होते हैं स्टीम के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसे भी मेटल्स हैं जो ना रिएक्ट होते हैं स्टीम के साथ ना ही वाटर के साथ। तो ये यहाँ पे मैंने इसीलिए नोट में रखा कि कुछ मेटल्स रिएक्ट होते हैं विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट वाटर, सम विद बोथ एंड सम विद स्टीम, एंड अदर्स डू नॉट रिएक्ट विद बोथ स्टीम एंड वाटर। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन विद हॉट विद वाटर, कोल्ड और हॉट वाटर, यानी हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे चाहे वाटर कोल्ड हो या हॉट वाटर हो। अब लेते हम एग्जांपल, जनरल रिएक्शन लेते हैं मेटल प्लस वाटर, ठीक है। जो अभी मैंने बोला कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम इस मेटल की कोई एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मैंने सोडियम लिया, ठीक है, प्लस H2O गिव्स NaOH, NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड, जब हमने मेटल क्या लिया, सोडियम, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस यहाँ पे हीट भी। कुछ रिएक्शंस में जब मेटल रिएक्ट होता है वाटर के साथ, वहां तो हीट भी इवॉल्व होती है। उन रिएक्शंस को जहाँ पे ये हीट इवॉल्व होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या उनको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। द रिएक्शंस ड्यूरिंग ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्वड आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस भी उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सोडियम को जब रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट भी वहाँ पे इवॉल्व होती है। प्लस यहाँ वो दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रिप्रेजेंट्स पोटेशियम प्लस H2O गिवस KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। यहाँ पर भी क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट भी यहाँ पे इवॉल्व होती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपको याद रखना है। अभी जो मैंने आपको बोला कि सोडियम और पोटेशियम ये रिएक्ट मेटल्स हैं, ये तो हम किसमें रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में, ठीक है। नाउ कैल्शियम प्लस H2O, यहाँ पे कैल्शियम, अब मैंने एग्जांपल ली, कैल्शियम रिप्रेजेंट Ca रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ कैल्शियम मेटल, Ca प्लस H2O गिव CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस रिप्रेजेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2O, Mg प्लस H2O, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है, ये मैंने वाटर की मैंने कौन सी फॉर्म ली, स्टीम फॉर्म है, वेपर फॉर्म है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस स्टीम गिव्स MgO प्लस H2, ठीक, Mg प्लस H2O गिव्स MgO प्लस H2। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब मैंने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, और उसको किसके साथ रिएक्ट किया, स्टीम के साथ, यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिया, बल्कि स्टीम फॉर्म में लिया, वेपर फॉर्म में लिया। तो जब मेटल रिएक्ट होता है स्टीम के साथ, वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, बल्कि पहले वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है।
ये याद रखना है आपको कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बल्कि ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ, लिक्विड वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, स्टीम के साथ, तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसकी फॉर्मूला है MgO। ये आपको याद रखना है। तो और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टीम यानी जब मेटल को रिएक्ट किया जाता है स्टीम के साथ, यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस H2O, यहाँ पे स्टीम फॉर्म ली किसकी, वाटर की, यानी ये गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो इट गिव्स Al2O3 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया गया किसके साथ, स्टीम के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, जिसकी फॉर्मूला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक प्लस H2O, Zn रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ जिंक मेटल, ठीक है। जिंक प्लस H2O, यहाँ पर भी स्टीम, ठीक है, गिव ZnO प्लस H2, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जब मेटल को रिएक्ट किया जाता है स्टीम के साथ, वहां पे जिंक ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, अब हम रिएक्शन करेंगे मेटल को किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वहां पे मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल को हम कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, तो इसीलिए हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी वो ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कंसेंट्रेटेड एसिड लिया जाता है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिड है वो डाइल्यूट फॉर्म में है, तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप मेटल की एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, ठीक है, प्लस डाइल्यूट एसिड लेते हैं यहाँ पे HCl। HCl रिप्रेजेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वस AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस, मीन्स ये डाइल्यूट फॉर्म है, गिव्स NaCl, ये मेटल साल्ट, यहाँ पे मेटल साल्ट क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2, NaCl रिप्रेजेंट्स सोडियम क्लोराइड। तो और हम एक यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2, यानी मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। इसी तरह Mg प्लस H2SO4, अब हम दूसरा एसिड लेंगे, लेकिन वो भी हमें डाइल्यूट फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में लेना है। Mg प्लस H2SO4 गिव्स MgSO4 प्लस H2। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो नोट यहाँ पे मैंने डाला कि जब कॉपर को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो नो रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना है Cu प्लस HCl एक्वस नो रिएक्शन, यानी कॉपर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, इसीलिए नो रिएक्शन। क्यों ये रिएक्ट नहीं होता है ये डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो Cu प्लस HCl नो रिएक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट, नो रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस, अब हम यानी मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, साल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशंस, वहां पे जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है वो डिस्प्लेस करता है, वो रिप्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को,
किस फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, यानी हमने किसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसी और मेटल के साथ, लेकिन वो मेटल अगर स्ट्रांग होगा जिसको हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो इसको रिप्लेस करता है साल्ट सॉल्यूशन से। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया एक्वस फॉर्म में, ठीक है, प्लस Zn, ठीक है, Zn सॉलिड, ठीक है। तो जिंक यानी मेटल है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu। Zn जो है ये रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। इसीलिए जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिमूव किया, डिस्प्लेस किया और वहां अपनी जगह ली, तो ZnSO4 बन गया प्रोडक्ट में प्लस Cu, ठीक है। तो ZnSO4 बन गया यहाँ पे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए यानी जिंक की रिएक्टिविटी का मतलब इसमें ज्यादा ताकत है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि इसको इसको ज्यादा ताकत है। को हम किसी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, ये क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टूडेंट आया, इसने उन दोनों को वहां पे रिमूव किया, या एक स्टूडेंट को वहां क्लासरूम से बाहर निकाला। उसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट को वहां पे ने बाहर निकाला, उसका मतलब है कि उसमें ज्यादा ताकत है, इसीलिए उसने उसको क्या वहां पे क्लासरूम से बाहर निकाला। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको याद रखना कि जिंक जो है ना, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये कॉपर को यहाँ पे रिमूव करता है, डिस्प्लेस करता है और वहां अपनी जगह लेता है, इसलिए ZnSO4 प्रोडक्ट बनता है प्लस Cu, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो और एक रिएक्शन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की देखते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ये जो 4 है यहाँ पे, ये सबस्क्रिप्ट है, यानी FeSO4 4 थोड़ा नीचे होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिया, ये ऑक्सीजन यानी सबस्क्रिप्ट है ऑक्सीजन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे CuSO4, यानी जैसे यहाँ पे 4 है ना, इसी तरह यहाँ पर भी 4 है। तो CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4, FeSO4 रिप्रेजेंट्स फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट, या इसको आयरन सल्फेट भी कहते हैं, प्लस Cu। तो यहाँ पे जो आयरन है, इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को रिमूव किया कॉपर सल्फेट से और वहां अपनी जगह ली। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। ये भी इसी के साथ हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। सोडियम हमने मेटल लिया, प्लस Cl2 गिव्स NaCl, वो Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, NaCl रिप्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो जब मेटल्स को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, वहां पे साल्ट बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे और एक यानी डेफिनेशन जोड़ना चाहता हूँ, वो है एक्वारिजिया। ये एक्वारिजिया क्या होता है, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। एक्वारिजिया लैटिन वर्ड जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि ये एक्वारिजिया क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्वारिजिया एसिड और बेस में वहां पे फिर से रिपीट हो जाएगी ये टर्म, लेकिन यहाँ पर भी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक्वारिजिया क्या होता है। एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है एक्वारिजिया, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और एक पार्ट होता है
कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो इसमें क्या रेशियो क्या बन गया, 1:3, वन पार्ट क्या है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और थ्री पार्ट्स क्या बन गए कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम वन पार्ट लेते हैं क्या नाइट्रिक एसिड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और थ्री पार्ट्स लेते हैं कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये मिक्सचर एक्वारिजिया कहलाता है। इट कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, ये जो एक्वारिजिया है इट कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, जो भी मेटल इसमें यानी इसके साथ रिएक्ट कराया जाता है वो डिजॉल्व इसमें होता है। इट कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन अगर इनको भी किस में डाला जाएगा एक्वारिजिया में तो ये भी उसमें डिजॉल्व होते हैं। इसलिए जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम उनके पास वो पुराना गोल्ड लेते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे उस पुराने गोल्ड को यानी शाइनिंग शाइनी बनाने के लिए वो एक्वारिजिया में उसको डालते हैं वहाँ पे यानी उस यानी उससे वो उसको क्लीन करते हैं एक्वारिजिया से, तो और उस गोल्ड की चमक फिर आती है। तो क्योंकि रीजन क्या है, एक्वारिजिया कैन डिजॉल्व गोल्ड, इट कैन ऑल्सो डिजॉल्व प्लेटिनम विच आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो ये एक्वारिजिया के बारे में था और हमने आज डिस्कस किया यहाँ पे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि फर्स्ट अगर हम इसको यानी सम अप इस लेक्चर को करना चाहते हैं तो अब हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म मेटल एंड वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमने ये एक्वारिजिया तक कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह।